हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ शादी के सात वचनों के बारे में, क्योंकि शादी के सात वचन पूरे तरीके से पत्नी के फेवर में होते हैं। चलिए आज जानते हैं किस तरीके से। जैसे कि पहला वचन, बिना पत्नी के कोई भी कार्य पूरा नहीं होता है। पति हमेशा पहले वचन में यही कहता है कि वो अपने साथ हर जरूरी काम में अपनी पत्नी का सहयोग जरूर लेगा। इसी तरीके से बिना पत्नी के कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता है। दूसरा वचन होता है पत्नी के माँ बाप का सम्मान करना, और वो सबसे ज्यादा जरूरी है। एक लड़की हमेशा यही चाहती है, जिस तरीके से वो अपने माता पिता का सम्मान करती है, ठीक उसी तरीके से उसका पति भी उसके माता पिता का सम्मान करे। दीर्घायु तक अपने पति का साथ देना। जी हाँ, जिस तरीके से पत्नियां दीर्घायु तक यानी कि लंबे समय तक अपने पति का साथ देती है, ठीक उसी तरीके से पतियों की जिम्मेदारी भी बन जाती है कि वो लंबे समय तक अपनी पत्नी का साथ दें। चौथे फेरे में पति हमेशा यही कसम खाता है कि वो पूरे तरीके से आत्मनिर्भर होकर ही शादी कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो आत्मनिर्भर नहीं होंगे तो अपनी पत्नी का लालन पालन सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। पांचवें फेरे के अनुसार उन्हें अपनी पत्नी का सम्मान हमेशा करना होगा। छठे फेरे के अनुसार उन्हें अपनी पत्नी का कभी भी किसी और के सामने अपमान करने की इजाजत नहीं है, वो हमेशा उनकी इज्जत करेंगे। और सातवां और सबसे ज्यादा अच्छा और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वचन, जो कि पति हमेशा यह लेते हैं कि वो हमेशा अपनी पत्नी के साथ ही रहेंगे और किसी और स्त्री पर नजर नहीं डालेंगे। इसीलिए शादी के सात वचन पूरे तरीके से पत्नी के ही फेवर में होते हैं। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।